सर आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सलमान कैसे हैं आप? गुड सर, हाउ आर यू? बहुत आई एम गुड। रोशन जी कैसे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। आज सर। शायद रोहित अभी तक नहीं आए हुए हैं, बट चलिए सेशन को हम आगे लेके चलेंगे। बहुत सारी चीजें समझेंगे, किस तरीके से काम होना है, कैसे आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि आज मैं आपको डिवी के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा बिल्डर है, बहुत मजेदार चीज है, जहां पर डिवी में हम करते हैं काम, कैसे करेंगे, किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, सारी चीजें समझाऊंगा। अभी तक मैं आपको बता दूं, शायद अजीत पाल जी ने और रोशन जी ने, रोशन जी आप दोनों ने शायद अकाउंट सेटअप के लिए आगे प्रोसेस किया है ना? हाँ ठीक है, तो सर, कर सर दिया कर कल इवनिंग तक आपका दिया। सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और मैं लाइव सेशन में ही आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो काम करना है। अभी के लिए मैं आपको ज्यादा उस पर लेके नहीं चलूंगा कि अभी अकाउंट सेटअप आपका हुआ नहीं है, इवनिंग में ही स्टार्ट हुआ है। अकाउंट सेटअप होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, इसलिए कल के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट होगी। ये दोनों काम आप खुद ही करेंगे, मैं लाइव सेशन ओके में आपको सर। बोलूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। ठीक है सर? जी सर। ओके सर। चलिए। सो अजीत पाल जी, आपने जो डोमेन बुक किया हो तो पहले कहीं और से बुक किया हुआ है ना? हाँ सर, वो काफी पुराना है सर अपने पास सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सलमान, व्हाट अबाउट यू? आपने अभी डिसाइड कर लिया अपना डोमेन? यस सर, आई विल बी एदर डूइंग इट बाय टुनाइट। आई विल लेट यू नो बाय ओके, टुनाइट। परफेक्ट। सो सलमान, अभी हम लोग रिज्यूम वेबसाइट पे काम करने वाले हैं, करेक्ट? यस सर। और डू यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स? Something else, I didn't get you, sir. What do you ओके, mean? सो सी, रिज्यूम वेबसाइट पे काम करने का मतलब ये है सलमान, दैट यू विल बी वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एज वेल एज जॉब। Yes. सो वी विल बी वर्किंग ऑन द रिज्यूमे वेबसाइट, करेक्ट? Yeah, that's what I was thinking, sir. परफेक्ट परफेक्ट। सो रिज्यूमे वेबसाइट भी हम देखेंगे किस तरीके से डिजाइन है। रोशन जी, मुझे अपने हाँ सर। बिजनेस का पूरा आइडिया एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए और वेबसाइट डिजाइन के साथ। सर, मैंने एक वेबसाइट सेलेक्ट करी है, उसका मैं जी आप आपको लिंक भेजता हूँ, अब वो खोल के देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। एक मिनट सर। सर आपकी स्क्रीन शेयर हुई नहीं अभी तक। हाँ कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। जी, कोई क्वेश्चन अजीत पाल जी? सलमान, कोई क्वेश्चन? कल कल की प्रैक्टिस तो हुई नहीं सर, आज पहली बार। सर कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा वो करने कोशिश की, कंफ्यूजन हुआ, आज वीडियो लेट आया तो कल करनी पड़ेगी। सर एक्चुअली होता क्या ना, वीडियो ऑटोमेटिकली शूट होता है मेरे नंबर से। सो जैसे ही वीडियो अपलोड होने में अगर कभी कुछ टेक्निकल एरर होता है, क्योंकि यूट्यूब सर्वर काफी हैवी हो गया इस लॉकडाउन में, तो बहुत ज्यादा उसके पास इंक्वायरीज आती है, तो अपलोड करने में टाइम लगा देता है। और हमारी जो वीडियो होती है उसका साइज सर 200 GB, 300 GB के आसपास होता है, क्योंकि एच डी सर, वीडियोज होती हैं, तो इसलिए अपलोड में टाइम लगा देता है। मैं पूछ रहा था आपको, जी जो वीडियो है वो अपन से यूट्यूब पे क्लिक कर, यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं कर सकते क्या अपन? सर, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप उस वीडियो के ओनर हैं, लेकिन अगर दूसरे की वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। ये वाली सर, अपने वाली कैच सर ओके। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जैसे YouTube ओपन करते हैं ना, हाँ सर। तो आप इसका अगर बैकअप रखना चाहते हैं तो अपना YouTube खोलिए और वहां पे इस वीडियो को डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके YouTube के अंदर ही वो वीडियो सेव हो जाएगी। सर वो हो नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ आज पूरे दिन, लोड ही हो रहा सर वो। चलिए पहले इधर चलते हैं और देखते हैं सर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। रोशन जी एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा इसको। चलिए रोशन जी, मुझे लगता है थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा आपको। ये रोशन जी की हाँ आवाज सर। मुझे ही कम आती है हाँ कि सर, आपको थोड़ा भी कम आती है? अटक कटक के आती है सर बीच बीच में। अटक के आ रही है सर, वो कोई फोन आ रहा था इसीलिए आंसर। ओके मैं ओके बोल रहा हूँ सर, मैंने ये साइट सेलेक्ट करी है, देखिए जी कैसी है ये एक जी नेटवर्किंग की साइट ही है। जी इसमें स्टार्टिंग में इसने यहाँ पे दिया है ये, तो देखिए ऐसा बनाया हुआ है, स्टे ऑन टारगेट देन प्रोस्पेक्ट एवरीवन, क्रिएट एंड मेंटेन देन क्राफ्ट एंड और पैकेज। इससे उसके बाद सर, इस इससे नीचे में देखिए, इसने मुझे मुझे स्क्रीन से तो समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है। पहली चीज मुझे ये समझाइए सर, इसका एक मल्टी टारगेट लेवल क्या है, मार्केटिंग मतलब की, इसका टारगेट क्या है आपका? ये लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी डिटेल दे रहा है सर, कि और सर क्या देखिए, है, कैसे करते सर हैं, देखिए, कंपनियां क्या इंसान करती हमेशा हैं। बहुत सारी लोगों को नॉलेज देने का चाहता है कि बांटे, सेवा करे,
लोगों के लिए काम करें, बट रेवेन्यू जनरेशन कहाँ पे है ये समझाइए सर। सर इसके थ्रू ही लोग ज्वाइन करेंगे ना सर। ओके, मतलब आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहते हैं लोग मैं कन्वर्ट, हाँ, करें, हाँ, ऐसा? मैं इसी को इसी पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने उसमें। तो रोशन जी मुझे मुझे लगता है कि वेबसाइट तो जरूरी है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस ज्यादा वीडियोस की तरफ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, वीडियोस में इसी में डालूंगा। देखिए यहाँ वीडियो का सेक्शन भी बना हुआ है यहाँ में, और लेट्स सपोज सलमान, इफ समवन गिव्स यू अ कॉल एंड से दैट आई हैव अ कंपनी और उसको आपको ज्वाइन करना है एज अ नेटवर्क मार्केटर और एज अ सेल्स टीम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू कंटिन्यू विद योर जॉब एंड यू विल हैव एन एक्स्ट्रा अर्निंग, तो मुझे लगता है यू विल बी कन्विंस्ड मोर विद द वीडियोस रादर देन राइटिंग अ वेबसाइट। तो हम ये भी कर सकते हैं, आई गॉट द आइडिया सर। इसका मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस वो है जो घर पे खाली बैठा है, ऐसा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, जो कुछ करना चाहता है या जो बिजी है ऑलरेडी सर, करना तो काम कर रहा है, करना तो मैं भी चाहता हूँ, करना तो आप भी चाहते हैं, लेकिन टारगेट ऑडियंस नहीं होगा, करना चाहता है टारगेट ऑडियंस नहीं है। रोशन जी टारगेट ऑडियंस वो है जो घर पे खाली बैठा है और जिसकी पॉकेट में थोड़ा सा पैसा है। हाँ वो तो कर ही सकता है सर, लेकिन मेरे हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है अपने, तो जो लोग ऑलरेडी बिजी हैं वो कुछ बहुत अच्छे से कर पाते हैं इसको, जो खाली बैठे हैं वो इतना सीरियसली लेते नहीं है इसको, वो सोचते ही रह जाते हैं, जो हाँ वो सोचते रह जाते हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं और आगे और कुछ करना चाहते हैं, मैंने और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं खाली टाइम में, जो उनके पास दो घंटा या तीन घंटा दिन में बेकार है, जो लोग वेस्ट कर दे रहे हैं उस टाइम को, उस टाइम को यूज करके अगर ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं। आप अब एक काम करने वाले हैं, आप अभी तक जिसको भी YouTube के ऊपर जिस चैनल को आप फॉलो करते हैं कि आपको लगता है ऐसा चैनल मैं भी बनाऊंगा, आप उस चैनल का लिंक सर आज के बाद अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके सर, ठीक है, सो दैट मैं थोड़ा स्टडी कर लूं उस चीज को। ओके सर, ठीक है रोशन जी, दो तीन चैनल है सर। हाँ सर, मतलब कुछ बेसिक आइडिया। ओके सर, चलिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं, थैंक यू सर। तो आज सेशन में मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले सेशन में जी अजीत जी बताइए। मैंने एक थीम फॉरेस्ट में देखी थी सर, वो मतलब ऐसी थी हैंडवर्क हैंडीक्राफ्ट टाइप में उसकी डिजाइन है जी, पर वो पेड थी, पर मैं उसको बुकमार्क में सेव करके रखा था। आपको बताऊंगा कैसी वेबसाइट। देखिए हर थीम जीपीएल में नहीं मिलती है, जब मैं जीपीएल तक आऊंगा तो जरूर समझाऊंगा उसको। अभी जो थीम मिल रही है उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर वो पसंद नहीं आई तो सर पूरी दुनिया खरीदने के लिए है ना, तो वो उस टाइम देखेंगे सर, जरूरी है, हो सकता है आप उससे अच्छा डिजाइन बना ले। और सर मेरे उसमें ये है कि हम प्राइसिंग नहीं रखेंगे सर किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब आप कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट का है प्राइस नहीं लिखनी है सर, प्राइस नहीं लिखना है। इसका कारण ये है सर, मेरे एक्सपोर्ट के हिसाब से है जी, तो वो इंक्वायरी भेजने पे उसकी सारी रेट जाएगी, साइज वगैरह उसके अकॉर्डिंग रेट भेजता है, उसके बाद पहले ही प्राइसिंग रखेंगे तो फिर वो बार्गेनिंग वाला सारी बहुत हेडेक हो जाएगी एक्सपोर्ट में। तो सर ये आपका बिजनेस मॉडल है, और मैं तो कहूंगा सर प्राइस दिखाना जरूरी है, एक बेसिक प्राइस दिखा दीजिए, देखेंगे सर, सोचेंगे जब उस स्टेप पे आएंगे ना तो हम डिसाइड करेंगे हम सारे लोग जरूर कैसे काम करना है, किस चीज पे काम करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं क्या है, एलिमेंटोर देखा आप लोगों ने, समझ में आया एलिमेंटोर सलमान, क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर। चलिए सो आज मैं डीवी का थोड़ा सा एक बार ट्राई करता हूँ कि डीवी मेरे सेटअप पे इंस्टॉल हो जाए। कैसे हैं रोहित जी आप? सर गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। सर कोई बात नहीं सर, ये तो क्लास चल रही है सर, इसमें सॉरी वॉरी क्या कहना है सर।
आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं सर, अगर आप सेशन में नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं सर, आप वीडियोस आपके पास हैं। बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी सुविधा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी सोचता हूँ सर हमारे एजुकेशन टाइम पे अगर ऐसी चीजें होती ना सर, तो जहां मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जहां पे हूं मैं उससे और ऊपर निकल जाता, लेकिन जिस जगह पे मैं हूं हो सकता है मैं 10 साल पहले पहुंच जाता। जी 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 सर, तो इट्स वेरी गुड कि इस तरीके की चीजें हैं सर, अभी अवेलेबिलिटी है। हमारे टाइम में तो सर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए भी 3-3 साल पढ़ाई करना पड़ता था। मुझे याद है सर, हम लोग जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो बाथरूम में भी हम हाथ पे चिट्स लिख के जाते थे, जितनी देर में वॉशरूम में बैठे हुए उतनी देर में फॉर्मूलाज रट रहे हैं। और अब तो सर इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हो गए हैं कि आपको अगर एडमिशन नहीं भी मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपके पापा के पास पैसा है तो चलो भैया हो गया एडमिशन। सो इट्स वेरी डिफरेंट सिचुएशन राइट नाउ। चलिए आगे चलता हूँ मैं, और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है डीवी थीम्स, किस तरीके से काम करती है। डीवी थीम्स जिस कंपनी का है उसका नाम है एलिगेंट थीम्स। मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा बता दूं, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मेरे पास एलिमेंटोर की मार्केटिंग टीम का 3 बार मेल आ चुका है, क्योंकि कभी कभी लाइव सेशन हम यूट्यूब पे पब्लिश कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए कैसे सेशन होता है। तो उस टाइम एलिमेंटोर की एक मार्केटिंग टीम के मैनेजर का हमारे पास कॉल आया और उसने बोला कि सर आप हमारी एलिमेंटोर थीम को अपने सेशन में प्रमोट करो। तो मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करता हूं किसी भी प्रोडक्ट का। अगर मैं चाहता तो इस सेशन को मैं स्पॉन्सर्ड सेशन बना के बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं, कि मैं आपको वही टूल बताऊं जो टूल मुझे पैसा दे रहा है। क्योंकि आप 10 को बताओगे अपने आप, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ग्राउंड बेस बना रहे हैं, क्योंकि अगले 2 महीने में आप मार्केट में निकलोगे, आप जो यूज करोगे वही आपको देखने वाले लोग यूज करेंगे। इसीलिए ये सारे टूल्स इंस्टीट्यूट के पास बहुत आते हैं। लेकिन डीवी में क्यों यूज कर रहा हूं और आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, डीवी को यूज करना बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। मैंने पर्सनली यूज किया तो मुझे मजा आता है, तो मुझे लगा शायद आप लोगों के लिए भी फायदा होगा। अगर हम आपको एलिमेंटोर देंगे ना तो एलिमेंटोर हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम आपको डीवी जो दे रहे हैं वो 13,000 के आसपास का है, और अगर हम आपको एलिमेंटोर देंगे तो एलिमेंटोर सस्ता पड़ेगा, लेकिन सर उसका फायदा नहीं है, फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाएगी। ये देखिए यहाँ पे ईयरली है $89 और $249 लाइफ टाइम है। जो आपको प्लान मिलता है वो $89 वाला प्लान मिलता है, और इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, तो वो कॉस्ट समवेयर अराउंड 12,000 के आसपास हो जाता है। आप कभी भी डीवी के ऊपर जाके इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप उस थीम के ओनर हैं। मैं आपको पूरा मेथड दिखाऊंगा कि किस तरीके से IIDM आपके ऊपर उस थीम को डालता है, कैसे काम करता है, पूरा समझाऊंगा। ये हम इस पे आरके इंटरनेशनल वाले डोमेन पे लॉगिन कर चुके हैं। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं इस डीवी थीम के इसमें जाऊंगा और यहां पे अकाउंट्स में अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं मैं। लॉगिन करने के बाद यहां पे मैं माई डाउनलोड्स पे जाऊंगा। ये काम आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। हम एंटरप्राइज लेवल पे हमने इसका सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ है, इसलिए हमें ये मिल रहा है। डाउनलोड डीवी थीम, इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए डीवी डाउनलोड हो रही है। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। ये एक थीम है, याद रखिएगा, डीवी एलिमेंटोर एक प्लगइन है, डीवी एक थीम है। तो डीवी को थीम की तरीके से यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, एड न्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपलोड थीम पे मैं जाता हूं और हम डीवी को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे मैंने क्लिक किया, देखिए वेबसाइट पे रोशन जी, रोहित जी, अजीत जी, सलमान, मैं बहुत क्लियरली बता दूं, वेबसाइट पे मेहनत से काम करना है, यही एक पार्ट है जो आपको आगे या पीछे लेके जाएगा। अभी हमारा जो आपके बाद जो नेक्स्ट सेशन होता है, वहां पर कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जिन्होंने वेबसाइट कंप्लीट ही नहीं की है,
और उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मतलब उनको आता सब कुछ है लेकिन अभी तक डिजाइन फाइनलाइज नहीं किया, तो इस चीज पे ज्यादा नहीं सोचिएगा। डिजाइन तो सर कभी भी चेंज हो जाएगा, आज जो आप डिजाइन बनाएंगे रोहित जी वो दो साल बाद आपको खुद ही पसंद नहीं आने वाला जी, तो इसलिए उस पर ज्यादा नहीं करना, थोड़ा मोटा जरूर भरोसा करना है लेकिन ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, सब कुछ रेडीमेड है। यहाँ धंधा करने बैठे हैं सर, काम चलाने बैठे हैं। सलमान आपको एक जॉब ज्वाइन करनी है, ना कि ये दिखाना कि सलमान कितना अच्छा डिजाइनर है, बिकॉज आप डिजाइनर नहीं है, आप डिजिटल मार्केटियर है। आपको ये प्रूफ करना है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ठीक से की है उस वेबसाइट की, ना कि डिजाइन अच्छे से बनाया है। वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन है कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है। एंड ट्रस्ट मी सलमान, व्हेन यू विल गेट इनटू द जॉब ना, आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको डिजाइनिंग आती ही नहीं है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट मार्केट में है वो डिजाइनिंग नहीं सिखाते, वो सिर्फ सीधा एसईओ से स्टार्ट कर देते हैं। सो यहां देखिए मैंने डिवी इंस्टॉल कर लिया है, अब यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे डिवी इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास इसमें मैं अकाउंट के अंदर जाऊंगा, अकाउंट डिटेल्स के अंदर मेरे को डिवी को सब्सक्राइब करना है। आपके पास जो सेटअप फाइल है ये फाइल मैं आपको भेज दूं तो आप डिवी से वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन डिवी ने जो पहले से थीम बनाई हुई है उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट डेटा, डेमो डेटा, समझते हो ना, डेमो डेटा आप ले नहीं सकते जो पहले से थीम बनी हुई है। वो आप तभी ले पाएंगे जब आपकी डिवी जो इंस्टॉलेशन आपने थीम की है वो परचेस्ड हो। तो ये परचेस चेक कैसे होता है, यहां पे मैं जाऊंगा और यहां पे जाने के बाद एक एपीआई की होती है, इस एपीआई की को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं जाता हूं डीवी के अंदर। ये रहा डीवी, और यहां जाने के बाद अपडेट्स का एक ऑप्शन होगा, और याद रखिएगा जितनी भी डीवी थीम्स अपडेट्स देता रहेगा लाइफ टाइम वो आपको मिलता रहेगा, नए नए थीम्स आपके अंदर आते रहेंगे। और मैं यहां पे इसको कर देता हूं एंड सेव। मैंने अब अजीत वाले जो ये डोमेन है इसके ऊपर डिवी थीम को इंस्टॉल कर दिया, अब ये सेव हो जाएगा और ये मुझे यस मार्क दिखा देगा दैट इट्स डन। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक वेबसाइट बनाने की। पहले मैं दिखाता हूं किस तरीके से डिवी काम करता है, कैसे करता है, कितना ईजी है। डैशबोर्ड पे चलते हैं अभी और हम यहां पे एक नया पेज बनाएंगे। आप पोस्ट बनाइए, पेज बनाइए, जैसे एलिमेंटोर से बनाते थे ना बिल्डर से, वैसे ही आप इससे भी बना सकते हैं। तो यहां पे न्यू पे चलते हैं और यहां पे एक पेज बनाने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों ने आज होस्टिंग और डोमेन परचेस किया आप लोगों का कल सेशन से पहले तक आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जो कनेक्शन है डोमेन और होस्टिंग का वो कनेक्शन सेशन में मैं आपको खुद ही करवाऊंगा। यहां पे देखिए अब आ रहा है यूज डीवी बिल्डर, देख रहे हैं। तो मैं पहले पेज का नाम दे देता हूं, कोई भी बिल्डर यूज करेंगे पेज का नाम देना जरूरी है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट पे अपना पेज का नाम रख लेगा, वो हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम यहां पे डाल देते हैं होम डीवी, कुछ ऐसा रख देते हैं एंड यूज डीवी बिल्डर क्लिक कर देते हैं। अब ये डीवी बिल्डर ओपन हो रहा है, जैसे एलिमेंटोर बिल्डर ओपन होता है वैसे ही डीवी बिल्डर ओपन हो रहा है। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं मार्केट के जिससे आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पे देखिए थोड़ा सा टूर है, इसको समझना जरूरी है, डीवी की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा ऑप्शन कहां पे है, लेकिन इतना ईजी है समझाऊंगा सब समझ आ जाएगा। टेक अ टूर पे आप जा सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग पे मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से काम होगा। ये नीचे जो ऑप्शंस आए हुए हैं ये जो पहले से अजीत पाल जी जो थीम आपने यूज की हुई ना उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। ये तीन ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग में दिखेंगे। पहला बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, डीवी कहता है कि भैया हमने आपको डिजाइनिंग टूल दे दिया, वी हैव ऑफर्ड यू द डिजाइनिंग टूल, नाउ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सेकेंड ऑप्शन चूज अ प्रीमेड टेम्पलेट,
डीवी कहता है कि लेट मी गिव यू हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट जिसमें से आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा चूज करना है एंड सिंपली एडिटेड एंड डन. तीसरा ऑप्शन क्लोन एग्जिस्टिंग पेज. अगर आपने पहले से कोई डिजाइन डिवी में बनाया हुआ है किसी और बिल्डर या वर्डप्रेस पे नहीं, अगर पहले से कोई डिवी के अंदर आपने पेज बनाया हुआ है उसी पेज की कॉपी बना के यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से उस काम को कर सकते हैं. वील गो फॉर दी सेकेंड ऑप्शन क्योंकि अगर स्क्रैच से ही बनाना था तो हमारा क्या लॉस था, तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं. ब्राउज लेआउट्स. अब ये टेम्पलेट्स दिखाएगा हमें प्रीमेड लेआउट्स. ये टेम्पलेट आप डीवी को बिना सब्सक्राइब किए हुए भी ले सकते हैं लेकिन इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बस आप देख पाएंगे अगर आपने खरीदा हुआ नहीं है तो. जो मैंने एपीआई की डाली वो एपीआई की खरीदने के बाद ही आपको मिल सकती है. यहां पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. फूड रेसिपी जो भी थीम आपको यूज करनी है, जो भी थीम कार टैक्सी, ये जो कार रेंटल वाला थीम है इस थीम को कैसे यूज किया गया है, मुझे लगता है आपने अगर 999 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से. मैंने एक दो स्टूडेंट्स की वेबसाइट्स भी दिखाई हुई हैं कि कैसा लोगों ने बनाया. मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं. डोमेन उनका क्या है, एफाइल्स टूरिज्म आई बिलीव. एफाइल्स टूरिज्म ये वेबसाइट डीवी से ही बनी हुई है. ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कार रेंटल का काम कर रहे हैं और मैं इनकी स्टोरी बता दूं. सलमान ही वॉज अ ओला कैब ड्राइवर इन चंडीगढ़. ही ज्वाइंड आवर कोर्स एंड स्टार्टेड दिस एजेंसी वेर इन ट्रेवल एजेंसी एंड ही लेफ्ट हिज जॉब. ही इज डूइंग फैबुलसली गुड. सो एक ओला कैब ड्राइवर जिसने कभी जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि यार मैं कभी वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट तो उसको पता भी नहीं थी एंड इट डिड दिस बिकॉज ऑफ दीज सिंपल टूल्स. सारी चीजें हैं, रिजर्व नाउ कैसे करना है, अबाउट अस, वेरी नीट एंड क्लीन वेबसाइट है ना रोहित जी. सो इस तरीके से जरूर हम काम करेंगे. पहले हम चल लेते हैं. दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेना तो हम जरूर कम नहीं करते लेकिन बस अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कैसे करेंगे. अभी के लिए मुझे कुछ आइडिया दीजिए किस चीज पे. कोई भी एक टॉपिक आप चारों डिसाइड कीजिए और उस टॉपिक पे आज मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जी. रोशन जी एग्री है इस पे. अजीत जी, सलमान ब्लॉगिंग पे चाह रहा था. सलमान गुड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट. शायद सलमान शायद नेटवर्क से कट ऑफ हो गए हैं बट मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करता क्या पहले समझ लीजिए. ओके विद एनी ऑफ देम सर. सॉरी सलमान. चलिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट डिजाइन करता है, एसईओ करता है किसके लिए, कस्टमर्स के लिए. सो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मैं जाता हूं इसके ऊपर. ये देखिए प्रीमेड लेआउट है. इसके सारे पेजेस हैं, अबाउट पेज है, ब्लॉग पेज है, करियर्स कॉन्टैक्ट सर्विसेज पोर्टफोलियो लैंडिंग होम सब कुछ है. मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपल यूज दिस लेआउट कर लेता हूं. मेरा ये सबसे फेवरेट थीम है. अजीत पाल जी यहाँ पे आपका मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा आगे कुछ सेशंस में जो आपकी वेबसाइट को पूरा ई कॉमर्स बना देगा. वू कॉमर्स मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है. वू कॉमर्स में डिवी कंपैटिबल है, मैच करता है. अब ये थीम को डाउनलोड कर रहा है, ये तभी डाउनलोड कर पाएगा जब आपके पास एपीआई की होगी. ओके ये बिल्डर थोड़ा हैवी है इसलिए अगर टाइम लगे तो उसको लगने दीजिएगा, वेट कीजिएगा, पेशेंस लेवल रखिएगा इसके साथ.
ये देखिए मेरी पूरी वेबसाइट है, ये ऊपर का जो टॉप मेन्यू है ये मेरे ख्याल से अजीत पाल जी जो आपने मेन्यू बना हुआ है ये डायरेक्टली उसी ने पिक कर लिया उसको, और ये पूरी वेबसाइट रेडी है, देख लीजिए कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, ये नीचे का फुटर, ये सारी चीजें हैं, ये हम बाद में सीखेंगे कैसे करना है एडिट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फुटर उठा रहा है। अब मान लीजिए दो तीन चीजें, जैसे इस टेक्स्ट को मुझे एडिट करना है, पहले मुझे क्या करना पड़ता था एलिमेंटोर में, टेक्स्ट में जाना पड़ता था और टेक्स्ट के टूल को क्लिक करना पड़ता था, यहां मैं डबल क्लिक सीधा इसी पे करूंगा, सीधा डबल क्लिक कर दूंगा, मैं डायरेक्टली इसको एडिट कर सकता हूं। गेट स्टार्टेड, मुझे इस बटन पे अपने किसी दूसरे पेज को कनेक्ट करना है, हाइपरलिंक करनी है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ये जो आप कुछ देख रहे हैं, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स आ जा रहा है, सबसे पहले आप देखिएगा एक ब्लू कलर का बॉक्स है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, जिसके ऊपर कुछ प्लस का साइन आ रहा है, सिलेक्शन का साइन आ रहा है, गियर साइन आ रहा है ना, ये सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये जो साइन आ रहा है ये वाला, ये है कंटेंट का, सेक्शन का, मतलब डीवी के अंदर कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूं मैं, सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारी चीजें, तो जो भी एलिमेंट होगा उसको जब आप कर्सर लेके जाएंगे, कर्सर मतलब आपका माउस का कर्सर, जब आप उसको कर्सर लेके जाएंगे तो ब्लैक कलर में कंट्रोल होगा, जैसे अगर इस टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करना चाहता हूं, जैसे इस टेक्स्ट का कलर में चेंज करना चाहता हूं, तो इसको इसकी सेटिंग पे जाना है, मॉड्यूल सेटिंग पे, तो मॉड्यूल सेटिंग पे मैं कैसे जाऊंगा, ये जो गेयर साइन है ये, अगर मुझे इस पूरे सेक्शन पे, ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके मॉड्यूल सेटिंग पे जाना है तो मुझे ग्रीन वाले पे जाना पड़ेगा, और मेरे को पूरे सेक्शन की मॉड्यूल सेटिंग पे जाना है तो इस पे जाना पड़ेगा। अब मेरे पास टारगेट ये है कि ये जो पर्पल कलर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, इसकी जगह मैं एक वीडियो डालना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहां पे सेक्शन पे चला जाता हूं, और ये देखिए ये इसका सेटिंग बॉक्स है, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेरा टारगेट क्या था कि मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करूं, यहां देखिए ये बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं चाहता हूं यहां पे वीडियो डालूं कोई, यहां पे देखिए ये एक वीडियो है, यहां पे मैं वीडियो बैकग्राउंड पे चला जाता हूं, मैं यहां से YouTube से कोई एक वीडियो ले लेता हूं, कुछ भी ले, सपोज केजरीवाल जी को ले लेते हैं, आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको कॉपी करूंगा इस लिंक को, एंड आई विल गो हियर, और यहां पे मैं इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास खुद की कोई वीडियो है जो आपके पास है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा खुद की वीडियो को यहां पे नहीं डालना है, क्योंकि आपका जो होस्टिंग होता है वो टेक्स्ट होस्टिंग अलग होती है, वीडियो होस्टिंग अलग होती है, आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और उसके बाद यहाँ पे यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। okay. ये जिन्होंने भी वीडियो डाल रखी है ना, उन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन डाल रखा है कि कोई वीडियो एम्बेड नहीं हो, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एम्बेड समझाऊंगा क्या चीज होती है, मतलब जो यूट्यूबर होता है वो डिसाइड कर सकता है कि मेरी वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाए या नहीं जाए, तो शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा कर रखा है। हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला, इस वीडियो को यहाँ से हटा देते हैं,
डिलीट ये रहा। अगर मुझे इसे कलर चेंज करना है सिंपल, यहां पे गया मैं, पर्पल कलर चेंज करना है बैकग्राउंड पे गया, कलर पे जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर हम ले लेते हैं कोई भी। ये देखिए क्यों कलर मुझे चूज करना है, आई कैन गो फॉर दैट कलर, ग्रेडियंट कलर है सर जी, ग्रेडियंट कलर से मतलब आपकी मर्जी है सर। आप अगर स्टेबल कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, ये ऑप्शंस आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अगर सिंपल कलर लेना है, एक सिंगल कलर लेना है, तो यू कैन गो फॉर दैट सिंगल कलर एज वेल। यहाँ से ग्रेडियंट आपको डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दीजिए। इजी क्लियर है सर? मान लीजिए मुझे ब्लैक लेना है, ये देखिए ब्लैक हो गया। तो ये एक पैटर्न है, अभी आगे और समझाऊंगा किस तरीके से काम करना है। मान लीजिए ये जो इमेज है, देखिए कितना इजी टूल है ये जो इमेज है, इस इमेज को मुझे चेंज करना है। क्या करूंगा मैं, इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा और ब्लैक मॉड्यूल, मतलब मुझे ब्लैक वाले को एडिट करना है, तो ब्लैक मॉड्यूल पे गया हूं, क्योंकि ये इमेज है, इस पे जाता हूं। देखिए इमेज दिख गई मुझे बैकग्राउंड में, इसकी जगह अपनी कोई इमेज यूज कर लेते हैं, देखते हैं, अपलोड कर लेते हैं। देखते हैं कुछ अगर अच्छी इमेज कोई मिल गई हमें तो। चलिए ये ले लेते हैं। सलमान, टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, मतलब आपका जो सीवी वेबसाइट होगा, आपका करिकुलम वाइटर जो वेबसाइट होगी, रिज्यूमे वेबसाइट, उसके लिए सलमान आई वांट यू टू गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ शूट, मतलब थोड़ा सा एक फेशियल शूट, कुछ कोट वोट पहन के, मतलब इट लुक्स गुड, है ना, इट लुक्स गुड। कोई ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं जाना है, बट थोड़ा सा अगर इस पर काम कर लेंगे तो अच्छा होगा, एचआर को समझ आएगा कि क्या है। ये देखिए सामने मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ एडिट कर दिया, इस इमेज को चेंज कर दिया, मुझे इसको चेंज करना है, लेकिन सिंगली क्लिक ऑन दिस एंड मुझे यहाँ से कुछ भी नई वीडियो चाहिए, कुछ चाहिए, ये चाहिए मुझे, यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये जो इमेज है, इसको मुझे 3D इफेक्ट देना है, बॉक्स शेडो वहां, यहाँ देखिए कैसे किया मैंने, ये देखिए देख रहे हैं, बस मैं चेंज कर रहा हूं, अपने आप बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत मजेदार चीज है। यहां पे याद रखिएगा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको यहां पे कंट्रोल जी करने से आप वापस नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, यहां पे ये हिस्ट्री वाला बटन है एक, इस पे क्लिक करना है और यहां पे आप पीछे जाएंगे, इस तरीके से आप जाएंगे। क्लियर है? ये देखिए अभी इमेज वापस आ गई, ऊपर का बैकग्राउंड चेंज हो गया जी सर। अभी मान लीजिए मुझे यहां पर बीच में एक सेक्शन डालना है, ये वैसे एक रेडी वेबसाइट है, बीच में मुझे एक सेक्शन डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे प्लस वाले साइन पे, मतलब सेक्शन क्या, ब्लू वाला पार्ट, ब्लू कलर सेक्शन, ग्रीन कलर अंदर सेक्शन के अंदर कंटेंट और उसके अंदर मॉड्यूल। सो ब्लू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ये मेरे से पूछ रहा है क्या कर रहा है, रेगुलर, स्पेशलिटी और फुल विड्थ। आई कैन गो फॉर फुल विड्थ और रेगुलर, रेगुलर में चलते हैं क्योंकि डिजाइन पहले से रेडी है, तो रेगुलर इसमें फिट हो जाएगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कितना, वही एलिमेंटोर की तरह पूछा है इसने, कितने कॉलम्स बनाने हैं। We can go for two columns, three columns, four columns, जो भी आपको डालना है। Let's go for two columns. ये देखिए दो कॉलम आ गए, उसी सेम तरीके जैसे एलिमेंटोर काम करता है, बस थोड़ा सा विजुअली इसको अच्छा किया हुआ है, और समझाता हूं। यहां पे मान लीजिए मुझे डालना है एक बार काउंटर, क्या होता है दिखाता हूं। इसकी सेटिंग पे आप जाइए, टाइटल में परसेंटेज रख देते हैं, बैकग्राउंड कुछ
जो भी हमने रख लिया, देखिए किस तरीके से काम करता है। जब भी आपका पेज रीलोड होगा ना, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और 50% की तरफ भागेगा। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, आई एम स्किल सेट विथ जावास्क्रिप्ट, आई एम स्किल सेट विथ डिजाइनिंग 100%, बार चलता है, एक काउंटर टाइप का हो गया, हटाना है हटा दीजिए। अब हमारा टारगेट है एक साइड में एक इमेज, एक साइड में एक कॉन्टेंट। प्लस पे क्लिक किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर है सेक्शन, ग्रीन कलर है अंदर कंटेंट और ब्लैक कलर है मॉड्यूल का। अगर कंटेंट का बैकग्राउंड पूरा चेंज करना, मतलब सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ब्लू पे जाना है। यहाँ पे जाइए प्लस पे, अकॉर्डियन इजी चीज है, देखिएगा सेव करने के लिए, छोटी सी चीज अभी कर रहा हूं मैं, सेव करने के लिए आपको यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है आपको सिंपल, और ये पेज आपका सेव हो रहा है। अब अगर मुझे इसको देखना है, सो मैं इस पेज को देखना चाहता हूं, तो डायरेक्टली मेरे को अपने वर्डप्रेस के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको एक काम करता हूं, मैं ये अजीत जी वाली वेबसाइट दोबारा इधर ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैं इस डिवी बिल्डर से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर चला जाता हूं। और यहां पर मैं डैशबोर्ड के अंदर चला जाता हूं, बिकॉज ये पेज कहीं कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको अगर देखना चाहता हूं तो मेरे को लिंक चाहिए होगा। मैं पेजेस पे जाता हूं, ऑल पेजेस पे, I can check this page. Home DB, यही पेज हमने बनाया था, इसको व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू इनकॉग्निटो मोड, जहां पे रियलिस्टिक यूजर की तरह ये चीज दिखे, क्योंकि अगर मैं वहां ओपन करूंगा तो वहां पे ऊपर बार आ जाएगा, है ना। ये देखिए आपका पूरा पेज रेडी है, पूरी एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट, एजेंसी की वेबसाइट। और ये अकॉर्डियन जो हमने डाला था, कितनी मजेदार चीज है, देखिए आप इस तरीके से अपना FAQ बना सकते हैं। इसको थोड़ा 3D इफेक्ट देना है, आप मान लीजिए इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है, मतलब थोड़ा सा विजुअली की उठा हुआ हो, जैसे ये जो बॉक्सेस है ना, ये 3D इफेक्ट पे आ रहे हैं। ये वीडियो है, ये प्ले होते हैं, ये YouTube की वीडियो कनेक्ट की है, जैसे अभी हमने YouTube का लिंक डाला था। रोशन जी देख रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस आप डाल सकते हैं, कितना मजेदार चीज लगेगी सर ये। हाँ सर, पूरी वेबसाइट रेडी है एकदम डिजिटल मार्केटिंग की, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए आपका आइडिया कुछ और है, डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, तो आप इस वेबसाइट में भी एडिट कर सकते हैं, अगर आपको डिजाइन पसंद लग रहा है तो, है ना। जैसे आपको चाहिए कि मैं एक रिज्यूमे वेबसाइट या फिर काम करूं मैं कुछ इस तरीके से कि सलमान की रिज्यूमे वेबसाइट पर मैं काम करूं, तो आई कैन डायरेक्टली कम हेयर, आई कैन मेंशन द नेम, रीलोड कर लेते हैं एक बार पेज, सॉरी इस पे आ जाते हैं, एंड आई विल गो हियर, यहां पे नाम को मैं चेंज कर लेता हूं, मैं ये बीच में इसलिए एंटर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फॉर्मेट बिगड़े, इसलिए वर्ड के बीच में एंटर करने के बाद मैं उसको डिलीट कर रहा हूं। कुछ अपने बारे में कंटेंट लिखना है, यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, अपनी कोई फोटोग्राफ ऐड करनी है, देखिए ये ग्रीन वाले पे क्या करना है, ग्रीन वाले पे जाएंगे,
तो आपका उस कंटेंट एरिया के अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, एक और रो ऐड हो जाएगा, ग्रीन रो है ऐड न्यू रो, और ब्लू जो है ऐड न्यू सेक्शन, सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, और ये जो है यहां पे ऐड न्यू रो है, ग्रीन ऐड न्यू रो है, और ये आपका मॉड्यूल है। ये तो हो गया डिजाइन एक इस तरीके से कि हमने ये पेज बना लिया। अब मान के चलिए, मान लीजिए हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पेज कंप्लीट हो गया, अभी चलते हैं डैशबोर्ड पे, सेव एंड एग्जिट पे चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी एनिमेशंस भी हैं, आगे धीरे धीरे समझाऊंगा एनिमेशंस किस तरीके से काम करेंगी, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका। यहां पे चलते हैं और मैं चलता हूं एक नया पेज बनाने के लिए। मान लीजिए हमने होम पेज बना लिया, अब हमें अबाउट पेज बनाना है, तो पेज पे जाते हैं, अलग अलग पेजेस बनाएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के। तो मान लीजिए अब हमें अबाउट पेज बनाना है, सो आई विल गो फॉर अबाउट पेज नाउ, और मुझे डिजाइन वही चाहिए क्योंकि आपका जो एक पेज का डिजाइन है वही तो सिमिलर डिजाइन होना चाहिए दूसरे पेज का भी, तभी तो सिमिलैरिटी आएगी। तो यहाँ पे मैं अबाउट पे चला जाता हूँ, अबाउट पेज बना लेते हैं, एंड यूज डिवी बिल्डर अगेन। वही तीन ऑप्शंस आपके पास दोबारा आएंगे। इस यहां पर अगर आपका ये लोडिंग टाइम लग रहा हो तो वेट कीजिएगा थोड़ा पेशेंस लेवल पे, अगर 15-20 मिनट तक नहीं आए तो सपोर्ट पे कांटेक्ट कीजिए कि नहीं हो रहा। यहां पे देखिए स्टार्ट बिल्डिंग है, इस पे भी हम करके देखेंगे अभी, पहले मैं आपको यहां पे ब्राउज लेआउट पे लेके जाता हूं, और जो थीम हमने होम पेज के लिए रखी है उसी सेम थीम पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें थीम सेम चाहिए। अलग अलग पेजेस पे आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एक सिमेट्री के लिए बहुत जरूरी है, सिमेट्रिकल वे में आप वेबसाइट डिजाइन करें। तो ये वाली थीम हमने यूज की थी डिजिटल मार्केटिंग की, क्लिक करते हैं और इसका अबाउट पेज देखिए पहले से इन्होंने बना रखा है ना, मैं उस पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा, तो अबाउट वाला सेक्शन बन जाएगा। इजी, क्लियर है? अब मैं आपको स्क्रैच लेवल से एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ये मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे वेबसाइट है। अगर आपके आपसे कभी गलती से ये प्री मेड लेआउट वाला मतलब टेम्पलेट वाला स्क्रीन हट जाए तो नीचे ध्यान दीजिएगा, ये तीन डॉट्स करके आ रही होंगी, इन तीन डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वो प्लस का है, इसका मतलब कोई थीम ऐड करनी है आपको। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें मैंने कोई भी थीम यूज नहीं किया है। अब मैं पूरा आपको खुद बना के दिखा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक रो ऐड करता हूं, रो किस तरीके से ऐड करना है कुछ ऐसा, एक साइड में हम ले लेते हैं एक इमेज, यहां पे इमेज सर्च करता हूं, ये देखिए इमेज, और दूसरी साइड में मैं ले लेता हूं एक टेक्स्ट, टेक्स्ट मॉड्यूल, मैं इमेज वाले पे जाता हूं और इमेज वाले पे कुछ एक चीज ऐड करके देखते हैं हम। इमेज पे अब मेरे को अगर एडिट करना है, सो अजीत पाल जी एडिट कैसे करेंगे? मैं इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा और ब्लैक वाले पार्ट पे जाऊंगा, है ना, क्योंकि मॉड्यूल एडिट करना है हमें, तो ब्लैक वाले पार्ट के सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे इमेज के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे कोई इमेज ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने आपकी ये इमेज ले ली, अपलोड, ये देखिए इमेज आ गई। जो भी टेक्स्ट आपको डालना है ये टेक्स्ट आप डाल सकते हैं जिस भी तरीके से। इस इमेज को थोड़ा सा और अगर आपको डिजाइन करना है तो थोड़ा सा तरीका देखिएगा क्या करते हैं, डिजाइन पे जाइए, यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बैकग्राउंड एडमिन लेवल ये सब छोड़ दीजिएगा, डिजाइन पे जाइए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अलाइनमेंट कैसे अलाइन करना है, सेंटर करना है, राइट लेफ्ट कैसे करना है, अभी जैसा ही है वैसा ही छोड़ दीजिए इसको, साइजिंग कुछ नहीं करना है, देखिए कितना मजेदार कंट्रोल हो रहा है, ये देख रहे हैं मजेदार तरीके से कंट्रोल हो रहा है। इन सारी चीजों को भी छोड़ दीजिए, स्पेसिंग पे चले जाइए, आपको अगर इमेज को ऊपर नीचे करना है, जैसे वहां पे याद है मार्जिन टॉप नीचे कर रहे थे, आपने कल पूछा था अजीतपाल जी कि कैसे टेक्स्ट लेके आएंगे, है ना? यस सर, यस सर। तो आप यहां देखिए, यहां पे देखिए ऊपर नीचे करना है, ये देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं,
आपको जैसे भी करना है वैसे जहां पे भी इसको लेके जाना है वहां पे इसको कर सकते हैं। इसको स्पेसिंग हटा दीजिए, बॉक्स शैडो दे देना है। ये देखिए 3D इफेक्ट देना है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे दिया इसको। इस तरीके से अब मान लीजिए इसका जो कर्व है बॉर्डर्स वो थोड़ा सा कर्व कर देते हैं हम। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर मैं इसको नीचे यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने हल्का सा गोला कर दिया। देख रहे कितना मजेदार टूल है ये, मतलब आपकी इमेज एडिटिंग का भी पूरा तरीका यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। देखिए सर, देखिए एक फोन से क्लिक की गई फोटो को कितना अच्छा बना दिया इसने, है ना। लग रहा है ना कि हाँ ठीक है फोटोग्राफ, मतलब फोन से भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट डालना है, यहाँ पे एक बटन डालना है जो आपको कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल अजीत पाल जी, यही टारगेट था कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक वीडियो डालनी है। अब इस टेक्स्ट के नीचे एक वीडियो डालनी है, इस टेक्स्ट के नीचे एक वीडियो भी डाल देते हैं। मतलब प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो मॉड्यूल डाल देते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन आपको डालना था, यहाँ पे वीडियो डाल दिया। अभी के लिए यही वीडियो, अगर इसको हटाना है यहाँ पे डिलीट कीजिए और वीडियो आ गई। ये देखिए वीडियो आ गई। अब मान लीजिए लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, इसके नीचे आपको डालना है कि भैया कांटेक्ट करो लोग, मतलब इस इमेज के नीचे ही अगर कांटेक्ट पे डालना है तो यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। ये देखिए बटन, ऑप्शन क्या डालना है, लिंक सिखाऊंगा अभी कैसे करना है क्या करना है। ये देखिए बटन आ गया आपका, क्लिक हेयर, है ना। इसको थोड़ा सा और डिजाइन करना है, इस पे जाएंगे ब्लैक वाले बॉक्स पे, डिजाइनिंग थोड़ा सा इधर कर सकते हैं इसको लेके। यहाँ पे देखिए इसका भी शैडो देना, इसका भी शैडो दे दीजिए। ये देखिए किस तरीके से वो आ गया 3D इफेक्ट पे। बैकग्राउंड डालना है, इसका बैकग्राउंड कैसे आएगा, यहां से भी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड आपको दिख जाएंगी, यहाँ नीचे भी होगा। शैडो कलर क्या डालना है, क्या है शैडो कलर, कैसे डालना है। एनिमेशन बहुत मजेदार चीज है, जब आपका पेज लोड होगा तो आप क्या चाहते हैं आपका बटन कैसे दिखे लोगों को, कुछ ऐसे दिखे या स्लाइड होके आए, बाउंस होके आए, जूम होके आए, फ्लिप होके आए, फोल्ड होके आए, रोल होके आए। ये सारी चीजें आप यहां कर सकते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन कैपेसिटी कैसे क्या कंट्रोल करना है, सारी की सारी चीजें आप यहां पे बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये बटन सिर्फ डेस्कटॉप वाली स्क्रीन पे दिखे, अगर कोई डेस्कटॉप पे लॉगिन करे और डेस्कटॉप पे इस डिजाइन को देखे तो ये बटन दिखे और फोन पे ना दिखे तो डिसेबल कर दिया हमने फोन पे। मतलब ये डिजाइन अगर कोई फोन पे दिखेगा तो ये बटन नहीं दिखेगा, ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकती है ना। तो ये इस तरीके की चीज है। और एक बड़ी मजेदार चीज अब आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैं ये वेबसाइट बना रहा हूं, इसके बाद मेरा है कि यार ये जो टेक्स्ट है ना ये नीचे रहना चाहिए, वीडियो ऊपर रहना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। इस सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए और ये देखिए इसको नीचे लेके आ जाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप, खत्म हो गया काम। ये देखिए आ गया। मेरे को इन दोनों के बीच में ये जो दो जो टूल दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच में मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस देना है ज्यादा। ये देखिए ये इमेज को छोटा बड़ा करना, ये देखिए मैं यहीं से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको, इमेज की तरह कर सकते हैं आप इसको, बहुत इजी टूल है ये। इजी क्लियर है सबको? यस यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा और कल जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम जरूर इस पर बात करेंगे किस तरीके से आपका डोमेन आगे चलेगा, कैसे होस्टिंग बुक होगी और कनेक्शन कैसे होगा, और आपके डोमेन के ऊपर जिस तरीके से हमने एलिगेंट थीम अभी इंस्टॉल की है वैसा इंस्टॉल करके आप लाइव सेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि तब तक आपको डिवी आज के लिए अगर डिवी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अजीत जी को कांटेक्ट करके उनका आप एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग पेजेस पे काम कीजिएगा, पता लगे अजीत जी अलग पेज पे काम कर रहे हैं, उसी पेज पे दूसरे ने काम कर दिया, अपडेट कर दिया सेम पेज तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मुस्कुराते रहिए, मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।